स्वामी भगवान रूप जगत राधा स्वामी भरा नर रूप जगत गुरु होए जीव आदि अनादि स्वामी कुल मालिक जिससे सब जिससे कुछ नहीं सब जो है सो उसी से है और हर में वही समाया हुआ धरा नर रूप इसको रचना के हर घाट पर उतर के अंतिम रचना मनुष्य चोले में खुद को प्रकट किया क्यों कलयुग में जीव को भारी कष्टों क्लेशों दुखों और दयनीयता में जीते हुए देखकर कलयुग में स्वामी दया विचारी प्रकट करके शब्द नरचोले में खुद को कुल मालिक बनाकर प्रकट नहीं किया कुल मालिक ने सबसे अंतिम रचना मनुष्य चोले में खुद को प्रकट किया और मालिक बनाकर प्रकट नहीं किया कि मैं तुम जीवों का मालिक नहीं गुरु होए जीव चेता यही स्वामी जी महाराज का जीवन चरित्र है कि धरा नर रूप जगत में ये जीवन है और गुरु होए जीव चेताए ये चरित्र इन दो लाइनों में ही कुल मालिक समझ हुजूर स्वामी जी महाराज का जीवन चरित्र है। तो राधा स्वामी मत गुरु मत और गुरु और गुरुमुख की परंपरा से ही आगे बढ़ता है। कुल मालिक का वचन है कि अब ये धार तब तक गुप्त ना होगी जब तक कुल अधिकारी जीवों का उद्धार ना होगा यानी प्रकट रहेगी और प्रकट कार्रवाई करेगी अधिकारी जीव उसे खोज पाते हैं और संसारी जीव सिर्फ नाम की रोटियां सिख हासिल कुछ नहीं ये उपकार और परोपकार का मत नहीं है ये परमार्थ का मत परमार्थ का मतलब परम अर्थ यानी इस मनुष्य जन्म और जीवन का जो परम अर्थ है वही राधा स्वामी मत आज समद गुरु महाराज साहब का सालाना तिथि भंडारा है भंडारे का अर्थ हम आज महाराज साहब और उनकी शिक्षाओं को याद करते हैं और अपने भीतर कहीं एक निश्चय दृढ़ करते हैं कि हम महाराज साहब की शिक्षाओं पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे ये यादगार होती है भंडारा। महाराज साहब हजूर महाराज के गुरुमुख पर सिर्फ इतनी ही पहचान नहीं है महाराज साहब की महाराज साहब कुल मालिक राधा स्वामी दयाल जो स्वामी जी महाराज के भौतिक रूप में हमारे बीच गुरु हो पधारे उनका वचन है कि मेरी निज अंश है तो महाराज साहब की पहचान से इतनी ही नहीं कि हुजूर महाराज के गुरुमुख हुए और राधा स्वामी मत के अपने वक्त में सद्गुरु वक्त हुए
इससे बढ़कर भी एक पहचान है कि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के निज अंश हैं। राधा स्वामी मत में हम परम पुरुष हुजूर स्वामी जी महाराज को एक पिता की भूमिका में पाते हैं, जैसे एक पिता अपने बच्चों को संभालता है, तो कुल मालिक स्वामी जी महाराज की भूमिका हम पिता के रूप में पाते हैं जो बच्चों को संभालता है। हजूर महाराज की भूमिका एक माता के रूप में पाते हैं जो लाड़ और प्यार भी करती है और बच्चों की हर गलती को सहन भी करती है और परिवार को जोड़े रखती है। उनके गुरुमुख महाराज साहब की भूमिका राधा स्वामी मत में एक सख्त उस्ताद की है। बच्चा घर में ही नहीं खेलेगा, शिक्षा भी पाएगा। तो महाराज साहब की भूमिका एक उस्ताद या शिक्षक के रूप में है और महाराज साहब की घोषणा पाते हैं कि वक्त आने पे संत मत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जहाँ शिक्षा संतों के मत की शिक्षा वैज्ञानिक रीत से दी जाएगी। ये एक शिक्षक की भूमिका है जो जानता था कि राधा स्वामी मत में मुख्य शिक्षा है। अगर हम शिक्षित ही नहीं होंगे तो हम अपने मन की धारणाओं, मान्यताओं और फिजूल की लकीर पीटने में लग जाएंगे। राधा स्वामी मत आगे नहीं बढ़ सकता। आगे वही जीवन में बढ़ सकता है जो शिक्षित हो। जो शिक्षित ही नहीं होगा वो सिवाय लकीर पीटने के जीवन में कुछ नहीं कर सकता। यही घोषणा महाराज साहब की कि वक्त आने पर जब जीवों का बौद्धिक स्तर इतना बढ़ जाएगा कि वो वैज्ञानिक तरीके से राधा स्वामी मत को समझ सकें, तो राधा स्वामी मत के विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। पिछले 150 सालों में विज्ञान ने बहुत तरक्की करी है, भारत भूमि भी बहुत शिक्षित हुई है, तर्क बुद्धि बहुत विकसित हुई है, विज्ञान ने भी बहुत तरक्की करी है। यही राधा स्वामी हेरिटेज ट्रस्ट का उद्देश्य है कि कुल मालिक समद हुजूर स्वामी जी महाराज की धरोहर, उनके कुछ केशों को सत्संग और सत्संगियों के हित में एक स्थान पर स्थापित करना, जिसका लाभ हर सत्संगी उठा सके और संत मत विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रयासरत होना। संभव तो मालिक की मौज से होगा, जीव से प्रयास कर सकता है। यही राधा स्वामी हेरिटेज ट्रस्ट का मकसद है। तो आज राधा स्वामी मत के उस्ताद शिक्षक महाराज साहब के सालाना भंडारे के अवसर पे महाराज साहब की पोथी, जिसमें उन्होंने पूरे राधा स्वामी मत को वैज्ञानिक रीत से तरीके से समझाया है और वेद मत के अनुसार परिभाषित और व्याख्यित किया है, डिस्कोर्सेज ऑन राधा स्वामी फेथ। इसी पुस्तक से कुछ अंश लेते हुए आज हम महाराज साहब को उन्हीं के वचनों से याद करेंगे, जबकि उन्होंने ध्यान के विषय में हमें शिक्षा समझौती दी है कि ध्यान क्या है।
ध्यान वो ताकत है जो हमारी आत्मा की ऊर्जा की ऊष्मा है, और ये ऊष्मा, ये ताकत हमारी आत्मा को सुरत से प्राप्त होती है। इस तरह ध्यान की जड़ और स्रोत हमारी सुरत होती है, और सुरत कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की अंश है। तो ध्यान ही वो सामर्थ्य है जिसे हम अपने भीतर एकाग्र करते हैं और अंतर की दिशा में उसे लगाते हैं, तब सुरत ऊंचे को खींचती है जहाँ से वो आई है। इसे ही सच्ची मुक्ति और जीव का पूरा उद्धार कहा गया है। सो राधा स्वामी मत कहता है, उनको नहीं उपदेश हमारा जिनको जगत कामना मारा। जो जगत की कामनाओं, लालसाओं और वासनाओं को पाना चाहते हैं, उनके लिए राधा स्वामी मत का उपदेश नहीं है। पर जो अपने जीव का पूरा उद्धार और सच्ची मुक्ति पाना चाहते हैं, उनके वास्ते राधा स्वामी मत द्वार है, मंजिल कुल मालिक राधा स्वामी दयाल है, जिसमें राधा समाती है और राधा स्वामी बन जाती है। सो राधा स्वामी दुई कर जान, दोनों मिले एक ठौर ठिकान। जब तक राधा जगत में सुरत हंसी है, इन्हें दो ही जानो, स्वामी अपने घाट पर और राधा इस मरघट में। मृत्यु लोक है धरती, इस पृथ्वी को मृत्यु लोक कहा गया है। इसका अंतिम सत्य मृत्यु है, जबकि सुरत का निज घर अनंत आनंद का देश है। वहाँ कोई क्लेश, द्वेष, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, क्रोध, वैमनस्य नहीं है, और मृत्यु वहाँ छू नहीं सकती। वो सदा चैतन्य निर्मल आनंद का देश है, जो सुरत का निज घर है। इस निज घर वापसी की अंतर्यात्रा ही राधा स्वामी मत है। तो आज महाराज साहब के ही वचनों से हम ध्यान के विषय में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ध्यान को एकाग्र किए बिना कुछ भी संभव नहीं है। सो ध्यान, ध्यान एक वास्तविकता है या मन का धोखा? आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे और इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि ध्यान एक वास्तविकता है या कि हमारे मन का धोखा है। तो आज हम ध्यान की वास्तविकता को समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि हजारों वर्षों से इस विषय पर बहुत कुछ लिखा, पढ़ा और सुना और शोध किया गया है, बहुत रिसर्च हुई है ध्यान के ऊपर, आज भी होती है। आज आप इंटरनेट पर ध्यान की बहुत सी विधियां और उनके लाभ देख सकते हैं और बताए जा रहे हैं। बुद्धि भी आज भ्रमित हो जाती है कि ध्यान की कौन सी विधा और तरीका सही है और क्या है जो गलत है। इतनी सारी विधियां बताई जाती हैं, इतने तरीके बताए जाते हैं, हर तरीका लगता है सही है, और बुद्धि भ्रमित हो जाती है
कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत। ध्यान की विधि और लाभ के विषय में आदि से जो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वो व्याख्या करते चले आ रहे हैं। तो हमारी आज की चर्चा का विषय ध्यान की विधियां या तरीका नहीं है, पर ध्यान है। हम ध्यान की विधि और तरीकों पे बात नहीं करेंगे, हम ध्यान पे बात करेंगे। पहले ये तो जाने कि ध्यान क्या होता है, तरीका तो बाद में समझेंगे। तो यदि आपको लगता है कि आप भी ध्यान करते हैं, जब लोग कहते हैं ना मैं मेडिटेशन करता हूँ, राधा स्वामी मत के ध्यान अभ्यास की बात नहीं कर रहा, मैं ध्यान की बात कर रहा हूँ। तो बहुत से लोग मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं। सो अगर आपको लगता है कि आप भी ध्यान करते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी अपने साथ धोखा ही कर रहे हैं। अगर आपको लगता है मैं रोज़ मेडिटेशन करता हूँ आधा घंटा एक घंटा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी अपने आप को धोखा ही दे रहे हो। क्योंकि ध्यान किया नहीं जाता। तो जो कहते हैं मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो एक बार सोचें कि कहीं आप अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे हैं। क्योंकि ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान हो जाता है। एक सच्चाई ध्यान की ये भी है। तो आइए जानते हैं कि ध्यान की अवस्था किसे कहते हैं और उसकी वास्तविकता क्या है, और वो क्या है जो ध्यान नहीं है। जो नए नए साधक या अभ्यासी हैं, वे इस फर्क को नहीं समझ पाते। तो उन्हें लगता है कि जो उनको अंतर में महसूस हो रहा है वही ध्यान है। ध्यान में तो बड़े शौक से बैठते हैं, पर नहीं जानते कि ध्यान क्या है। तो आपको जो शारीरिक या मानसिक अनुभव होता है, उसे ही आप ध्यान समझ लेते हैं कि साहब ध्यान हो रहा है, जबकि यह आपके मन का धोखा या इल्यूज़न भी हो सकता है जिसे आप ध्यान की अवस्था समझ रहे हैं। क्योंकि ध्यान किया नहीं जाता और आप ध्यान कर रहे हैं। आप अक्सर आंखें बंद करके ध्यान में बैठने की कोशिश करते हैं। कभी आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, कभी चक्रों पर, तो कभी तीसरे तिल या अग्र्य चक्र पर ध्यान को जमाने की कोशिश करते हैं। यह सब आपने ध्यान की विधियों में पढ़ा, सुना और किया भी होगा। अपने शरीर में उठती तरंगों को अनुभव भी किया होगा और चक्रों में होने वाले स्पंदन या वाइब्रेशन को भी अनुभव किया होगा। यह सब जानकर आपको लगता होगा कि ध्यान हो रहा है, पर जानना ज़रूरी है कि ये ध्यान नहीं है, बल्कि ध्यान की प्रक्रिया में घटित होने वाली शारीरिक और मानसिक घटनाएं मात्र ही है। जो ध्यान की प्रक्रिया में आपके शरीर और मन में घटनाएं घटती हैं, वही हैं ये कि तरंग उठ रही है, लहर उठ रही है, गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, सुसुरी हो रही है, ये सब ध्यान की
प्रक्रिया में आपके मन और शरीर में घटने वाली घटनाएं हैं, ध्यान नहीं है। आपकी देह नाड़ियों और चक्रों पर एनर्जी या चैतन्य ऊर्जा का अक्सर ब्लॉकेज या ठहराव हो जाता है, ब्लॉकेज या ठहराव हो जाता है। तो जो आप वाइब्रेशन या स्पंदन अनुभव करते हैं वह चेतना के उस ठहराव का, जो कि उस बिंदु पर लंबे समय से निष्क्रियता के कारण हो जाता है, जम जाता है, क्योंकि वो चक्र आप एक्टिव नहीं करते हैं, नॉर्मली चलता रहता है जैसे कि पाइपलाइन से पानी गुजरता रहता है और अंदर काई जमती रहती है और एक दिन ब्लॉक हो जाती है। वो काई भी पानी से ही बनती है। सो जो उस बिंदु पर लंबे समय से निष्क्रियता के कारण हो जाता है, उसके प्रवाह के खुलने के कारण ऐसा होता है। जब आप ध्यान की प्रक्रिया में होते हैं तो वो ब्लॉकेज खुलती है। जब ब्लॉकेज खुलती है तो आपको उस चक्र पे स्पंदन, पेट में गुड़गुड़, नाभि में हलचल, तीसरे तिल पे झंझनाहट, ये सब अनुभव होता है। शरीर में एक तरंग सी उठती महसूस होती है। ये सब इस कारण होता है क्योंकि वो ब्लॉकेज खुल रही है। और आप उसमें एक नवीन आनंद का अनुभव करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, कोई ध्यान हो रहा है, कुछ मेरे अंदर चेंज आ रहा है, कुछ तरक्की हो रही है, बड़ा आनंद का अनुभव करते हैं। या कभी कभी घबरा कर बेचैन भी हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है। दोनों बातें होती हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो यदि घबराहट या बेचैनी महसूस होती है तो आपका प्रयास सही या विधि पूर्वक नहीं हो रहा है, इसीलिए घबराहट और बेचैनी होती है। कुछ गलत जरूर हो रहा है, आपका तरीका या विधि उचित नहीं है, या आप विधि पूर्वक कर नहीं पा रहे हैं, तब यह घबराहट और बेचैनी होती है। और अगर प्रक्रिया सही चल रही है तो आनंद प्राप्त होता है। फिर यदि आनंद की अनुभूति होती है तब आप कह सकते हैं कि आप धीरे धीरे ध्यान की स्थिति में जा रहे हैं। अगर आनंद की अनुभूति हो रही है तो आप कह सकते हैं कि अब आप धीरे धीरे ध्यान की स्थिति में जा रहे हैं। हमें लगता है कि यदि हमारे साथ कुछ शारीरिक या मानसिक रूप से हो रहा है तो यही ध्यान की पूर्ण अवस्था है, तभी तो हो रहा। हम ऐसा सोचते हैं कि हम ध्यान की पूर्ण अवस्था में आ गए हैं, तभी हमारे शरीर और मन में ऐसा कुछ हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। यह ध्यान की चरम अवस्था नहीं है, यह ध्यान की कुछ शुरुआती स्थिति है, बेसिक कंडीशंस, शुरुआती। अभी ध्यान शुरू हो रहा है, हो नहीं गया, शुरू हो रहा है, और हम इसी को चरम अवस्था समझ लेते हैं और अपने आप को ध्यानी, जो कि ध्यान की प्रक्रिया का एक छोटा सा हिस्सा भर ही है, प्रक्रिया का हिस्सा, ना कि पूर्ण ध्यान। कुछ कंपन महसूस होना, झटका लगना, शरीर में शिथिलता का आना, अपने भीतर एक सामर्थ्य का अनुभव करना, अपने आप को हल्का और ठंडा महसूस करना, या ऊर्जा से भरा हुआ गर्माहट में
अनुभव करना। ये सब बातें ध्यान की शुरुआत भर है, सिर्फ शुरुआत भर है, जो कि ध्यान मार्ग में आगे बढ़ते वक्त रास्ते में आने वाली कुछ शारीरिक और मानसिक अवस्थाएं ही हैं। ये ध्यान मार्ग में आगे बढ़ते वक्त रास्ते में आने वाली कुछ शारीरिक और मानसिक अवस्थाएं ही हैं, जिनसे गुजर कर ही एक अभ्यासी आगे बढ़ पाता है। सबको इन अनुभवों से गुजर कर ही ध्यान की स्थिरता को प्राप्त किया जा सकता है। इसे इस तरह समझना चाहिए कि अंतर में ध्यान की स्थिरता के योग्य मार्ग की सफाई हो रही है। जो ध्यान मार्ग है, जो आपके अंतर से और अंतःकरण और मन और बुद्धि और चित्त से होकर गुजरता है, उस मार्ग की सफाई भर हो रही है, जिससे गुजर कर एक अभ्यासी को ध्यान की चरम यानी स्थिर अवस्था को प्राप्त करना है। तो ये वो अवरोध हैं, ये जो अनुभव हैं, ठंडा लगना, गर्म लगना, तरंग उठना, शिथिल हो जाना शरीर, सुन्न पड़ जाना, ये सब वो अवरोध हैं, रुकावटें हैं, जो पिछली धारणाओं, मान्यताओं, कामनाओं और संस्कारवश आपसे चिपके हुए हैं। ये वो अवरोध है, जो पिछली धारणाओं, पिछली मान्यताओं, आपके मन की कामनाओं और आपके संस्कारवश आपसे चिपके हुए हैं। ये वो अवरोध हैं, ये शुरुआती अनुभव इन्हीं के कारण होते हैं। अगर ऐसा ना हो कि हमारे कुछ पुरानी धारणाएं हों, कुछ मान्यताओं हों, कुछ हमारी मन की कामनाएं हों, या हम कुछ संस्कार लेकर आए हैं, अगर ये ना हो तो ध्यान आप में ही है, कहीं बाहर नहीं है। तो ये शुरुआती अनुभव इन्हीं कारण से होते हैं, जो कि अब छूटकर अलग हो रहे हैं, तभी आपको अनुभव हो रहा है। चिपके हुए तो थे ही, पर पहले ये अनुभव नहीं होते थे, पर अब ये अनुभव हो रहे हैं, यानी ये अवरोध आपसे छूटकर अलग हो रहे हैं। ये ध्यान नहीं है, ये आपके अंतःकरण की सफाई हो रही है। ये ध्यान नहीं है, ये ध्यान के योग्य आपके अंतःकरण की सफाई हो रही है। अभी आप ध्यान की अवस्थाओं के योग्य आंतरिक रूप से तैयार भर हो रहे हैं, कि आपका ध्यान एकाग्र हो सके, इसके लिए आप आंतरिक रूप से यानी मानसिक और अंतःकरणीय रूप से तैयार हो रहे हैं। जैसे किसान अच्छी फसल की आशा से बीज बोने से पहले खेत की सभी घास और झाड़ियाँ साफ करता है, कुछ ऐसी ही सफाई अंतःकरण की भी होती है। इस तरह यह जो शुरुआती अनुभव होते हैं, यह उस निर्मल आनंद के मिलने से पहले उस आनंद के योग्य अंतःकरण की शुद्धता की ही कार्रवाई है। ये जो शुरुआती अनुभव हैं, ये वो उस निर्मल आनंद के मिलने से पहले कि वो आनंद मिल सके, उसके योग्य आपके अंतःकरण की शुद्धता और सफाई ही हो रही है अभी। तो आजकल लोग इंटरनेट पे तरह तरह के वीडियो देखकर सोचते हैं कि वह तीसरे तिल पर पहुंचकर त्रिकालदर्शी बन जाएंगे,
भूत भविष्य वर्तमान दिख जाएगा तीसरे तिल पर। बहुत सारे वीडियो इंटरनेट में मिल जाएंगे आपको समझाने वाले। या कि अपने मन और मस्तिष्क और इंद्रियों पर आपको नियंत्रण हासिल हो जाएगा तीसरे तिल पे पहुंच के। बहुत से लोगों का ऐसा सोचना है। इस तरह की कल्पनाओं में जीने लगते हैं कि हमें यह सिद्धि प्राप्त हो जाएगी या वो सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगी कि हम त्रिकालदर्शी बन जाएंगे और इतने सामर्थ्य मिल जाएगी कि हम अपने मन और मस्तिष्क और इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लेंगे। कुछ ऐसा सोच है लोगों की। हकीकत तो ये है कि अभी सिर्फ पहली परत ही हटी है, अभी सिर्फ पहली परत ही हटी है, पर उन्हें लगता है कि उनकी छठी इंद्री जाग गई। शुरुआत के थोड़े से कुछ अनुभव हुए तो सोचते हैं कि छठी इंद्री जाग गई। हकीकत यह है कि अभी तो पहली ही परत हटी है। छठी इंद्री तक पहुंचने से पहले अभी 5 स्तरों को पार करना बाकी है। आपकी आंखें जब बाहर देख रही हैं, कान जब बाहर सुन रहे हैं और आपके विचार जगत में फैल रहे हैं, तब तक आप बाहर मुखी ही हैं। यह ध्यान की अंतर्मुख एकाग्रता नहीं है। जब तक आप बाहर देख सुन रहे हैं, आपके विचार जगत में हैं, तो आप बाहर मुख कार्रवाई ही कर रहे हैं। यह ध्यान की अंतर्मुख एकाग्रता नहीं है। तो यह कैसे जाना जा सकता है कि ध्यान की अवस्था क्या होती है? अभी तक तो सारी बातें खारिज कर दी, ये ध्यान नहीं है, ये ध्यान नहीं है, ये ध्यान नहीं है। तो फिर कैसे जाने कि ध्यान की अवस्था क्या होती है और क्या है जो ध्यान नहीं है? घबराहट, बेचैनी, अंधेरा, कुछ दहक और पिंडीय आवाज़ें का सुनना या कुछ रोशनियों का दिखाई देना, ये सब प्रारंभिक बातें हैं। क्योंकि अभी अंतर की सफाई की प्रक्रिया चल रही है, तो ऐसे में इन्हें ध्यान की अवस्था में मान लेना नादानी है, क्योंकि अभी तो सफाई ही चल रही है। आपको इन सब से आगे बढ़ना है। जब आप कुछ करते हैं तब वह ध्यान नहीं है। अब हम ध्यान की अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब आप कुछ करते हैं तब वह ध्यान नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने में एकाग्र हो जाना। पर जब आप कुछ करते हैं तब वह कुछ काम करना ही हुआ। आसन लगा लिया, आंखें बंद करके ओम ओम बोलने लग गए, तीसरे तिल पे जोर मार के ध्यान को ठोक दिया, ये जो कुछ आप कर रहे हैं तो ये आप कुछ कर रहे हैं। और ध्यान का अर्थ है कुछ ना करना। तो जो कुछ का आप कर रहे हैं ये ध्यान नहीं है। ध्यान का अर्थ है कुछ ना करना। ध्यान करना अपने आप में एक मानसिक धोखा है कि अगर आप सोच रहे हैं मैं ध्यान कर रहा हूं तो यह आपका दिमाग आपको धोखा दे रहा है। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान हो जाता है। न शारीरिक बल लगाना है, न मानसिक और ना ही आत्मिक बल का प्रयोग करना है। बस सिमट जाना है अपने ही भीतर, अपने आप में सिमट जाना। तभी ध्यान स्थिर हो पाता है आप में और आपके भीतर।
ध्यान का अर्थ शरीर और मन से अलग होकर आत्मा में स्थिर हो जाना है, इसे ही एकाग्रता कहा गया है। ध्यान की विधियों में जो ध्यान को सांसों पर, मन पर या तीसरे तिल आज्ञा चक्र पर स्थिर करने की बात कही जाती है, वो इसलिए ताकि आपका ध्यान जगत में भटकने से रोक सके। ध्यान की विधियों में जो ध्यान को सांसों पर, मन पर या तीसरे तिल आज्ञा चक्र पर स्थिर करने की बात कही जाती है, तो वो इसीलिए कही जाती है ताकि आपका ध्यान जगत में भटकने से रुक सके और आपके भीतर सिमट कर एकाग्र हो सके। तो जब एक बार एकाग्र स्थिरता प्राप्त हो गई, तब आगे की प्रक्रिया और कार्रवाई स्वतः शुरू हो जाती है, आपको कुछ नहीं करना है। ध्यान का अर्थ है आपको कुछ नहीं करना है, और कुछ ना करके जब आपका ध्यान आप में सिमटता है, जब आप कुछ करते हैं तो ध्यान आपका उस काम में लगता है जो आप कर रहे हैं। जब आप कुछ नहीं करते हैं तो आपके भीतर ध्यान सिमट कर एकाग्र हो जाता है और तब आगे की हर प्रक्रिया और कार्रवाई स्वतः शुरू हो जाती है, इसे ही ध्यान कहा गया है। यानी एकाग्र होकर भी कुछ ना करके एकाग्र होना है और एकाग्र होकर भी कुछ नहीं करना है, तो ध्यान का मतलब है कुछ मत करो। ध्यान का अर्थ है कुछ मत करो तो ध्यान स्थिर हो जाएगा, और कुछ करोगे तो ध्यान उसमें फंस जाएगा। तो जो कहते हैं कि मैं ध्यान करता हूँ, वो अपने आप को धोखा देते हैं, उनका मन उन्हें धोखा देता है। और ये थोड़े बहुत जो सरसराहट और मरोड़ और झंझनाहट महसूस हो गई तो अपने आप को बड़े ध्यानी समझ लेते हैं कि हम तो ध्यान कर रहे हैं। सो यही समाधि की अवस्था है, जो कि समाधिष्ठ होकर पूर्ण होती है। यानी अंतर में एकाग्र हो जाना समाधि की अवस्था है, और अपने ही अंतर में लीन हो जाना समाधिष्ठ होने की अवस्था है। तो सुमरण विधि में, राधा स्वामी मत के अनुसार सुमरण विधि में सांसों पर ध्यान को स्थिर करने से मन का भटकना रुक जाता है। जब मन शांत हो जाता है तब वह सुप्तावस्था में चला जाता है। शांत हो गया, कुछ कर ही नहीं रहा, तो सुप्तावस्था, सो जाता है मन, और तभी आपकी चेतना अंतर में प्रखर हो पाती है। जब मन शांत हो के सो जाता है तो जो चेतना मन को एक्टिव कर रही थी, यानी वो आत्मा से जो चेतना की धार मन पे पड़ती है और मन में हलचल होती है, जब मन सो गया तो अब वो जो चेतना की धार है वो कहीं यूज़ नहीं हो रही है, तो आपके अंदर प्रकाश हो जाता है। चित होए प्रकाशा का यही अर्थ है। तब वो प्रकाश से आपका अंतर भर जाता है, क्योंकि अब वो खर्च नहीं हो रहा है। सो यही आपकी चेतना अंतर में प्रखर हो पाती है, जो कि आगे की प्रक्रिया और कार्रवाई को स्वतः संचालित और नियंत्रित करती है, क्योंकि अब आपको नियंत्रित और संचालित करने वाला मन सो चुका है, तो अब आप आत्मा में जाग और जी उठते हैं। यही
ध्यान की सामर्थ्य और विशुद्ध अवस्था है। अतः स्पष्ट है कि ध्यान कोई क्रिया या कर्म नहीं है, बल्कि एक अवस्था है, विशुद्ध चेतन अवस्था, यही ध्यान है। सो राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में गुरु होए, जीव चेताए, और इसी गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये वैज्ञानिक तकनीकी रूप से ध्यान की शिक्षा हमें समद गुरु महाराज साहब से मिलती है, जिनके आज सालाना भंडाने पर हम सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। राधास।